शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। क्या आज उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल। क्या आज होगी गिरफ्तारी? पात्राचाल मामले में कई बार समन करने के बाद जब पेश नहीं हुए संजय राउत, तो आज ईडी की टीम उनके घर पहुंच चुकी है। संजय राउत के घर में इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, तो संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। घर पहुंची ईडी की टीम, ये बड़ी खबर। इससे पहले ईडी का समन जारी होने पर राउत ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहे प्रचार अभियान का हवाला देते हुए पेशी के लिए और समय मांगा था। देव कोटक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा देव के पास चलेंगे। देव, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है? बड़ी खबर, संजय राउत के घर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। इस पूरे मामले में जब ये पूरा मामला उजागर हुआ, जी आपको कुछ भी बता दे उसके पहले एक बार आपको दिखा देंगे विजुअल्स की तरफ। ये जो ईडी की टीम है आई है, ये जो सारी गाड़ी आप देख रहे हैं उसमें से कुछ अभी थोड़े समय पहले ही आई है। सुबह से वो लोग लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईडी की छापामारी हुई है। ये जो आर्म्ड गार्ड्स आपको दिख रहे हैं यूनिफॉर्म में, ये CRPF के जवान तैनात है। संजय राउत की पर्सनल सिक्योरिटी भी है और मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी भी है जो आए हैं इस मामले में जांच पड़ताल करने के लिए। फिलहाल अंदर जारी है, जो देख रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं कि सारे पेपर्स मिल जाए जो ताकि उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाए कि उनके क्या लिंक थे, किस तरह से जो पतराचौल लैंड रीडेवलपमेंट स्कैम केस में जिनका उनका नाम आ रहा है वो सारे पेपर्स वो लोग इकट्ठा करने आए हैं। इस मामले में संजय राउत जी की धर्मपत्नी मिस वर्षा राउत का भी नाम आया है, तो उसी तरह की जो है जांच पड़ताल आज होगी। लेकिन आज साफ तौर पर उतना नहीं, 100% नहीं कह सकते कि उनकी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल वो लोग सारा सबूत इकट्ठा करने आए हैं और ताकि उनका रोल एस्टेब्लिश हो सके कि वो किस तरह से कनेक्टेड थे इस मामले में। हम लोग फिलहाल मौजूद हैं मैत्री बंगलों के बाहर, जो कि संजय राउत का रेजिडेंस है भांडुप एरिया में मुंबई के। यहाँ सुबह से जो है ईडी की टीमें आई हुई है और सेंट्रल प्रोब एजेंसीज के वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए जुटे हुए हैं पूरी तरह से। जैसे कि मैंने बताया कि CRPF और मुंबई पुलिस के भी काफ़ी जवान बढ़ा दिए गए हैं, तो इस तरह की सूचना हमें मिल रही है। मल्लिका, बताया जा रहा है कि ईडी संजय राउत के घर की तलाशी भी ले रही है, क्या पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है? नहीं, अभी तक जैसे कि मैंने बताया साफ तौर पर कि सिर्फ सबूत ही इकट्ठा कर रहे हैं, तो पूछताछ अभी तो नहीं। और ऐसा बताया जा रहा है कि संजय राउत जी का पूरी तरह से वो सहयोग दे रहे हैं और पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार इसी बिल्डिंग में, इसी बंगलों में रहता है जिनके हम विजुअल्स आपको ला रहे हैं। तो पूछताछ तो होगी ज़रूर, लेकिन कुछ समय के बाद। लेकिन पहले जिन जिन सवालों के जवाब ईडी को चाहिए वो उस हिसाब से सबूत और पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारा इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने घंटे और इंटरोगेशन चलेगी संजय राउत जी की। और साफ तौर पर जैसे कि मैंने बताया कि नहीं बता सकते कि आज के आज ही गिरफ्तार होंगे, ये गिरफ्तारी कल पर जाएगी। अगर आप हमें कुछ और तस्वीरें देव दिखा सके, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर ईडी की टीम है संजय राउत के घर पर, कुछ और तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है। जी, अगर आपको साफ तौर पर हलचल ही देखनी है तो जैसे कि मैंने बताया ये जो भाई साहब जा रहे हैं वो भी सेंट्रल प्रोब एजेंसी के हैं। ये सारे जो जवान आए हुए हैं वो सेंट्रल एजेंसी के द्वारा लाए गए हैं। ये MH-46 है, वो संजय राउत जी की नॉर्मल रेगुलर जो एंटोराज में कार होती है वो नहीं है, वो भी सेंट्रल एजेंसी की है। तो आप कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से मूवमेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा चहल पहल और एक्टिविटी हो रही है। लेकिन आज के दिन में हम उस बात की आशा जरूर रख सकते हैं कि उनसे भारी पूछताछ की जाएगी और कुछ घंटों तक चलेगी और आसानी से खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत गहरे आरोप लगे हैं राज्यसभा MP संजय राउत पर और उनकी वाइफ पर भी। और 1000 करोड़ से ज्यादा जो पतराचौल लैंड स्कैम केस है वहां पर उनका नाम आया है, तो ईडी आसानी से तो उनको जाने नहीं देंगी जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं आ जाते। कुछ और जानकारी, घर में कितने सदस्य मौजूद है, कौन कौन घर में मौजूद है इस वक्त? संजय राउत उनके छोटे भाई घर पर है, उनकी वाइफ उनको और उनके छोटे भाई की वाइफ और उनकी मदर भी यहाँ रहती है इसी घर में।
उनकी माता जी रहती है। तो फिलहाल 5 से 6 लोग मौजूद हैं अभी घर में, और जो भी डोमेस्टिक स्टाफ वगैरह होगा और पुलिस वालों को गिन के कम से कम 15 से 20 लोग होंगे, जो उनके नॉर्मल रेगुलर बॉडी गार्ड्स हो गए या घर में काम करने वाले हो गए और रूटीन स्टाफ वाले जैसे कि उनके PA मैनेजर वगैरह। तो 15 से 20 लोगों की अनुमति है फिलहाल घर में होने की इस समय पर। देव, कितनी देर हो गई ईडी की टीम को अभी उनके घर पहुंचे हुए? जी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटे से यहाँ पर है, 1.5 घंटे से आए हुए हैं, और उन्होंने जो लाए थे, जो भी सवालों के जवाब उनको चाहिए थे उस तौर पर उन्होंने उनसे पूछा, और डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस कर दिए गए, और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे उनकी जांच पड़ताल होगी पूरी तरह से, खोज अच्छे से खोजेगी ईडी कि उनके घर में मिलता है या जो उनकी पहले 2 प्रॉपर्टीज अटैच की गई है अलीबाग और दादर में कि वहीं से मिलता है। ये तो जैसे कि मैंने बताया कि इस मामले पर ज़्यादा विचार विमर्श और स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए, बट हमें फैक्ट्स और डिटेल्स के लिए रुकना चाहिए, जो कुछ समय में साफ तौर पर एकदम ही स्पष्ट हो जाएगा हमारे दर्शकों के लिए। तो इस एक तरीके से कहीं ना कहीं हम आपको जो लाइव विजुअल्स और अपडेट्स ला रहे हैं वो लाते रहेंगे, और बस आप बने रहिए। तो अभी कुछ ही समय में जैसे कि मैंने बताया पता चल पाएगा कि गिरफ्तारी का जो प्रतिक्रिया है क्या वो आज ही होगी या मामला कल तक जाएगा। ये भी देव एक अपने आप में समझने वाली बात है कि 20 और 27 जुलाई को संजय राउत को तलब किया गया था लेकिन वे पेश नहीं हुए थे, क्या यही वजह लग रही है कि अचानक से इस तरह से आज सुबह सुबह ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई है, क्योंकि 7 अगस्त तक का समय मांगा था संजय राउत ने। जी, शायद उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो 20 और 27 जुलाई को भी उनको ईडी के द्वारा समन्स भेजे गए थे उस पर नाम मौजूद होने के कारण शायद ऐसा भी कहा जा सकता है कि शायद ईडी गुस्से में हो एक तरीके से। और आपने जो सही बात बताई वो तो है कि उन्होंने समय 7 अगस्त तक मांगा था कि जब तक वो पार्लियामेंट का सेशन, संसद का सेशन चल रहा है, वो पूरी तरह से इस पर अपना समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो पार्लियामेंट के कामों में जुटे हुए हैं और काफी व्यस्त है। लेकिन फिर भी ईडी ने इस बात को शायद नजरअंदाज किया और आज सुबह से पिछले 1 घंटे से या संजय राउत जी के घर पर पहुंच गई है। हालांकि जो पहली बार समन्स भेजा गया था 1 जुलाई को, वहां पर संजय राउत खुद मौजूद थे, वो वाला जो इंटरोगेशन था वो मिनिमम 10 घंटे चला था, और उनको वहां ईडी के कार्यालय और दफ्तर से मुंबई के निकलते निकलते शाम और रात हो गई थी कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद जो 20 और 27 जुलाई वाला था वो दोनों ही समय ऐसा बताया जा रहा है कि वो मुंबई में मौजूद नहीं थे और राजधानी गए हुए थे दिल्ली में, इसी के कारण वो आ नहीं पाए। और शायद कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि ईडी उनको कोई ऐसा एक और चांस नहीं छोड़ना था जहां संजय राउत जी खुद मौजूद ना हो पाए, तो इसीलिए आज सुबह वो लोग ही पधार चुके हैं उनके घर पर पिछले 1 घंटे से। और जैसे कि बताया ही आपको कि काम चल ही रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स की खोज चल रही है, तो फिलहाल वो शुरू है।